डियर स्टूडेंट्स, हमने पहला जो लेक्चर लिया था इंटरेस्ट ड्राइंग का, उसमें कंसेप्ट समझे थे। उसके बाद अगर हर बार जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो इक्वल हो और इंटरवल भी सेम हो, हर दो ड्राइंग के बीच का जो टाइम है वो सेम हो, तो उस केस में कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके हमने अलग अलग केसेस लेके उसकी प्रैक्टिस की थी। आज हम एक केस ले रहे हैं जिसमें अमाउंट का जो इंटरवल है, हर बार जो पैसा निकाला, वो दो ड्राइंग के बीच का इंटरवल सेम नहीं हो, कभी ज़्यादा कभी कम हो, या अमाउंट अलग हो या दोनों अलग हो, तो उस केस में इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकलता है वो हम समझ रहे हैं। तो देखें, वैशाली विड्रू अमाउंट एज फॉलोज फॉर पर्सनल यूज़। फॉर पर्सनल यूज़ यानी ड्राइंग हो गया, पहली बार पैसा निकाला अप्रैल 1 को, अगली बार जून 30 को निकाला, यानी दोनों के बीच में टाइम देख लो 3 महीने का है। 30 जून के बाद फिर पैसा निकाला 15 जुलाई को, यानी दोनों के बीच में देखो 15 दिन की गैप है, 15 दिन का इंटरवल है, पहले 3 महीने का था फिर 15 दिन का ही था। जुलाई 15 से 1 नवंबर तक, फिर 1 फेब से 28 फेब तक, हर दो ड्राइंग के बीच का इंटरवल कम ज़्यादा हो रहा है, बदल रहा है। इधर ड्राइंग का अमाउंट देखे वो भी बदल रहा है, हर बार का अमाउंट जो ड्राइंग का अमाउंट है अलग है। तो अगर अमाउंट अनइक्वल हो, हर बार बदल रहा हो, या इंटरवल अलग हो या दोनों अलग हो, तो उस केस में जो इंटरेस्ट है वो कैसे निकलता है वो हम सीखेंगे। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। पर एनम वर्ड दिया है, लेक्चर 1 में ही क्लियर किया था कि अगर पर एनम वर्ड है तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, कितने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा वो देखना पड़ेगा। अगर पर एनम वर्ड नहीं हो तो बहुत सिंपल हो जाता है, टोटल ड्राइंग कर लो, पूरे टोटल ड्राइंग उसका 3% निकालो, इंटरेस्ट ड्राइंग निकल जाएगा अगर 3% के आगे पर एनम वर्ड नहीं होता तो। पर एनम है तो टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट निकलता है, नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करने पड़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो लगेगा वो प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होने वाली है, प्रोडक्ट मेथड से हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे आइए देखते हैं। पहले तो एक टेबल बना लेंगे, नाम देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 4 कॉलम रहेंगे, डेट, अमाउंट, मंथ्स और प्रोडक्ट। पहले हमने क्या करा, जितनी भी डेट सीधी सब डेट लिख दी, उनका अमाउंट भी लिख लिया। उसके बाद फर्स्ट अमाउंट है अप्रैल 1 को, तो जैसे पीछे भी बताया था डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड तक इंटरेस्ट लगता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। अगली ड्राइंग है 30 जून को, 30 जून से 31 मार्च तक 9 मंथ होते हैं, ऐसे ही 5.5 मंथ और 1 महीना होता है। अब यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम का और मंथ वाले कॉलम का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और फिर प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, उस बेसिस पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट आ गया हमारा, अमाउंट और मंथ वाले कॉलम का मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट का टोटल निकाल लिया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहे हम, फार्मूला रहेगा टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इन ड्राइंग, और होल के डिवाइड में रख लेंगे 100 × 12, ठीक है। ये फार्मूला हो जाएगा, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला हो गया। तो हम वैल्यूज़ रख लेते हैं, तो वैल्यूज़ कितनी है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 1,83,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने देखी थी 3% है, तो इंटू 3 कर लिया, पूरे के डिवाइड में 100 × 12 कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट आएगा। तो देखें, ये इस ढंग से फार्मूला रखा, टोटल प्रोडक्ट आया था 1,83,500, वो रख लिया, इंटू रेट 3% थी, पूरे के डिवाइड में 100 × 12 रख दिया, तो इस ढंग से इंटरेस्ट आ गया 458 रुपीज़ 75 पैसा। तो ये अनइक्वल अमाउंट हो तो ऐसे टेबल बनाकर इंटरेस्ट निकालना चाहिए, इसको प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। दूसरी मेथड लॉन्ग होती है, उससे करने से मतलब नहीं है। वैसे क्या होती है दूसरी मेथड, क्या हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लो, अप्रैल 1 पर जो 5,000 अमाउंट है, फिर 12 मंथ का इंटरेस्ट अलग से निकाल लो, फिर अगली बार जून 30 पर 7,000 पर 9 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लो, हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लो, सबका टोटल कर लो, तो भी यही अमाउंट आएगा 458.75। तो जैसे भी निकालो, ये तरीका है। तो ये थे हमारे लेक्चर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ रहे होंगे। Thank you, students.